विराट सई के बाद रिसोर्ट पहुंचता है। सई उसे देखकर क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वो जानती थी कि वो पाखी को वहां से भगाने में मदद करने के लिए यहां आएगा। पाखी उन्हें खिड़की से देख लेती है और ये सोचकर घबरा जाती है कि वो उसके बेटे को उससे दूर ले जाने के लिए आए हैं। विराट सई से कहता है कि उसे अपने बेटे के बारे में सालों के बाद पता चला और वो अपने बेटे को उससे और उसके माता पिता से दूर नहीं भेजेगा। सई कहती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस ले लेगी और उसे चेतावनी देती है। पाखी सोचती है कि वो उन्हें अपने बेटे को उससे दूर नहीं जाने दे सकती और अपना पर्स देखती है। विराट सही से कहता है कि पाखी इस समय केवल उसकी बात सुनेगी और उससे पहले उसे जाने दे। सही ने उसे अपने रास्ते से हटाने की चेतावनी दी। पाखी विनायक को सुलाती है, लाइट बंद कर देती है और बीनू को बाहर आने के लिए मना कर देती है और उसके द्वारा बुक किए गए दूसरे कमरे में जाती है। विराट पाखी से अनुरोध करता है कि वो पाखी से मिलने ना जाए। इंस्पेक्टर वाघमारे ने विराट को पीछे हटने के लिए कहा क्योंकि वो जांच का हिस्सा नहीं हो सकता। विराट सोचता है कि सई को कैसे सूचित किया जाए कि पाखी के पास उसकी सर्विस गन है। विराट उसे सई की ओर धकेलता है और रिसोर्ट में भागकर दरवाजा बंद कर देता है। मैनेजर पूछता है कि वो कौन है। विराट आईडी कार्ड दिखाता है और उससे पूछता है कि वो किसी को भी अंदर नहीं आने देना। पाखी की फोटो देखने के बाद मैनेजर कहता है उसने कमरा 203 चेक किया है। विराट कमरे की ओर भागता है। मैनेजर कहता है कि उसने दो कमरे बुक किए थे। विराट ने ये बात नहीं सुनी।